बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि दो हफ्ते पहले मैं यहाँ पे आया और मुझे तहसील बालाकोट के मुख्तलिफ मिशरान, जिसमें पीटीआई से भी तलक रखते थे और दूसरे भी थे, ये बताया गया एक बड़े इंसानी सानहे, एक बड़े इंसानी अलमिया के मुतलक कि हमारे गरीब मज़दूर जो सुखी किनारी, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बहुत बड़ा हाइडल पावर बनने जा रहा है, वहाँ 6000 के करीब मज़दूर पौने दो साल से उन सुरंगों के अंदर जो है मुकैद हैं, लॉकडाउन उन पर नाफज है, उनको उनके मालियाती ज़रूरियात नज़रअंदाज करके अंदर रखा गया है। मैंने फौरी तौर पे उसका एक्शन लिया। खालिद मंसूर जो सीपेक के हेड हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में उस चाइनीज़ कंपनी, उनके हेड को, जितने भी आपके ब्रिगेडियर थे, जनरल थे, उनको बुलाया। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई और तीसरी मीटिंग के अंदर जो हमने ये फैसला किया कि न सिर्फ उनको बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाएगा, उनसे हमदर्दी का इज़हार किया जाएगा, उनसे माफ़ी मांगी जाएगी, बल्कि जब वो रिलीज़ होंगे तो मैं ख़ुद वहाँ पे इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा और उसके साथ साथ उनके सारे नुकसानात की, माली नुकसानात की तलाफ़ी भी करूँगा। मैंने स्ट्रिक्ट ये सफारिशात प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचा दी हैं, जिन्हें बड़ा दुख हुआ है। इंशाल्लाह ताला जल्द सुखी किनारी से मुतलक 6000 जो कैद की ज़िंदगी मेरे मज़दूर, मेरे इलाके के लोग गुजार रहे थे, न सिर्फ उनको आज़ादी मिलेगी बल्कि उनके दुखों का मुदावा भी होगा, उनको माली इमदाद भी मैं ख़ुद दिलाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि इसी चाइनीज़ कंपनी से पूरे तामन के साथ, माली तावन के साथ, इंसानी तावन के साथ, उनको बाइज्जत उनके बच्चों के घर, उनके घरों में बच्चों के साथ जो है ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त होगी। उनकी नौकरियां इंशाल्लाह ताला जब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता, ये वहाँ पे काम करेंगे और बाइज्जत तौर पर हर रोज़ अपने बच्चों के साथ हो मिलते रहेंगे। मैं ये भी कहा है कि जो 14 दिन की छुट्टी थी उसका उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो महीने के अंदर जो 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 उनकी 14 दिन थे या जितने भी दिन उनकी छुट्टी के थे, उन्होंने जो अपनी सिफारिशात या दरख्वास्त जो है पूरी उस एप्लीकेशन के अंदर लिखी थी, उनको एक एक दिन का, एक एक घंटे का मुआवजा खुदा के फजल से मैं दिलाऊँगा। मैं खालिद मंसूर का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, मैं अहमद शाह का, मुश्ताक खान का, बशीर खान का, साले मोहम्मद का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितनी भी हमारी सियासी मजहबी क़यादत है, मैं उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जो है इस अलमिये से पर्दा उठाने के लिए, इस अलमिये को हल करने के लिए इंसानी हमदर्दी के तौर पर मेरे दरवाज़े के ऊपर दस्तक दी। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, सीपेक का जो हेड खालिद मंसूर है, उसके ज़रिए से और चाइनीज़ कंपनी की हमदर्दी और तावन की वजह से मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इंसानी अलमिया हल करने के लिए जा रहा हूँ और अपने बालाकोट की तहसील के तमाम अवाम को ये खुशखबरी भी दूँगा, मुबारकबाद भी दूंगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि हज़ारा यूनिवर्सिटी के बाद मेरा सबसे बड़ा ये कारनामा अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं से, मेरी हिम्मत से और लोगों की मदद की वजह से ये अब पाया तकबील को पहुंचने के लिए जा रहा है। और मुझे इंसानी तौर पर कितनी खुशी होगी कि जब यही लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घरों में जाएँगे, अपने ख़ानदान के साथ मिलेंगे, तो फिर मैं खुदा ताला का शुक्रिया अदा करूँगा। दो रफत जो है नमाज़ पढ़ूँगा,
नवाफिल की नमाज पढ़ूंगा कि या परवरदिगार इस इंसानी मसले को हल करने के अंदर तूने मेरी रहनुमाई की, मुझे कुव्वत अता फरमाई और आज ये मसला बहुत जल्द हल होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी।